हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफलाइन इंडिया विद राहुल शर्मा। योर गाइड नहीं यार, फ्रेंड नहीं यार, टीचर। चलो यार बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं क्या कम्युनिकेशन की। सर आपने चैनल को क्लिक किया, आपने का वीडियो देखी, डेफिसिट देखा होगा आपने, फटाफट क्लिक किया, आपने का देख लेना चाहिए। तो डेफिसिट है जिसको चाह रहे, थोड़ा कम है टाइम, थोड़ा कम है आपके पास। एग्जाम नेक्स्ट मंथ है, आपने का तैयारी हो चुकी है। नहीं सर, तो कई चीजें नहीं आती सर। एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा कि डेफिसिट है क्या। लेन और देन के फर्क को हम डेफिसिट करते हैं सर। लेन देन के फर्क को नहीं कहते, मतलब जब मेरे पास पैसे कम पड़ते हैं किसी को करने के लिए, दैट इज डेफिसिट। अगर मैं बोलूं, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, मेरी जेब में 500 रुपए थे, दोबारा देख रहा 500 रुपए थे मेरे पास। अब सीख लेता थोड़ा, अब 500 रुपए मेरे पास थे और मेरा जो खर्चा था वो था 570 रुपए। हिंदी तो आती होगी, 570 आई हैव टू पे टू समबडी। अब आई वाज हैविंग 500 रुपीस, बट अब मुझे पे करने था 570, तो भाई लॉस हो गया। कितने का लॉस? नहीं हो सर, कम पड़ गए। कितने कम पड़ गए? 70 इनिशियली कम पड़ गए। अब जो इनिशियली कम पड़े ना सर, डेफिसिट तो ये 70 रुपए थे। अब इस इनिशियली जो 70 रुपए कम पड़े, ये मैं गया किसी के पास, मैंने कहा कशी यार तेरे पास पैसे 70 रुपए, आई नीड टू हैव 70 रुपीज। तूने कहा नहीं सर, आप सामने से पूछो। मैं चल पूछ लेता यार, मैंने उससे पूछ लिया। अब जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा 70 रुपए तो सर मैं आपको दे दूंगी, लेकिन करना क्या पड़ेगा, उसके बदले ना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं कहा कितना चाहिए? तो सर अगर आप कल दोगे मुझे तो ऐसा करना सर, आप 80 रुपीज देना। मैं कहा अच्छा, तो हफ्ते बाद दो क्या? तो 100 रुपीज देना। मैं कहा चल ठीक है, क्लियर करो यहां पर। कोई भी आदमी जब आपको पैसे देगा तो उसके ऊपर कुछ चार्ज लगाएगा, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। तो सर पहला कॉन्सेप्ट, जो पैसे काम पड़ेगा वो डेफिसिट हुआ सर, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। आई होप यहां हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, व्हाट इज अ प्राइमरी डेफिसिट। तो वी आर हैविंग अ डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। समबडी सेज द प्राइमरी डेफिसिट इट इज द नेट डेफिसिट ऑफ द अमाउंट that we borrow from someone। सर वो अमाउंट जो हमने किसी से बोरो किया, वो अमाउंट जो हमने किससे बोरो किया, मैंने आपसे पैसे ले लिए, वो 70 रुपए लिए मैंने, तो क्या हो गया सर? दैट इज अ प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज अ प्राइमरी डेफिसिट। आई होप अब यहां क्लियर हो गया होगा। तो सर आप एक फॉर्मुला और ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं प्राइमरी डेफिसिट ऑल इज इक्वल टू बोरिंग्स। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, द प्राइमरी डेफिसिट ऑल इज इक्वल टू बोरिंग्स। सर बोरिंग्स के इक्वल हो गया प्राइमरी डेफिसिट हमारा। अब करते हैं जंप अगले पार्ट पे। सर सीखो, यहां पे सीखने नहीं आया तो सर लीजिए वीडियो को पॉज करो, कॉन्सेप्ट को लिख लो, फिर आ जाओ दोबारा देखते हैं। और अगर वीडियो समझ आ जाए तो साथ में लाइक भी कर देना, लाइक बनता है वीडियो को अगर समझ आ जाए तो। कम ऑन नेक्स्ट वन सर, ये फिस्कल लिखा हुआ आपने, आपका फिस्कल डेफिसिट। मैंने बोला था मेरा मामा चाचा नहीं है, वो मेरी स्टूडेंट है, फिर भी पैसे याद करेगी। सेम अगर एक कंट्री का पैसे दूसरी कंट्री से पैसा बोरो करती है तो कंट्री डेफिनेटली क्या लगाएगी? चार तरह, इसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो सर प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट, यहां पे हम आते हैं, यहां हमने कहा प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। सर एट द एंड ऑफ द डे जब आप कैलकुलेशन करते हैं, एट द लास्ट ऑफ द डे, तो आप चेक करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, इस साल में कितना हमें कर्जा लेना पड़ा। तो सर इंटरेस्ट भी तो काउंट करोगे आप, दैट इज योर प्राइमरी इंटरेस्ट प्लस सर जो उसके ऊपर इंटरेस्ट था। तो हमने बोला सर फिस्कल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट। तो यहाँ पे 12th के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, वो कह रहे सर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या छोड़ो 12th की बात, हम डेफिसिट के कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं क्लास में। ज्यादा लंबी क्लास है, थोड़ा इंटरेस्टेड करते हैं। आप दोबारा देखो कॉन्सेप्ट मिलते शुरू होता 500 दिन 1000 रुपए देने, 1000 रुपए देख खर्चा आ गया 500 रुपए का, 200 रुपए कम पड़ गए, मार्केट से 200 उधार लिए, जिससे लिए उसने कहा भाई मेरे को 5% इंटरेस्ट चाहिए, तब 200 रुपए 5% इंटरेस्ट देना था। मैंने कहा ठीक है, अब जो मैंने इंटरेस्ट दे के टोटल अमाउंट आया दैट इज अराउंड 205। आपने कहा सर नहीं 205 210 सर 210 क्योंकि 5% था, 2.5 नहीं था सर। मैं कहा 210 रुपए क्या गया मेरा फिस्कल डेफिसिट, क्या गया मेरा
fiscal deficit. Because now I'll do primary deficit plus interest on the amount that I borrowed from somebody. तो यहां आपका कॉन्सेप्ट ये हो गया कि प्राइमरी और फिस्कल का डिफरेंस क्या है. गाइस मेक श्योर यहां पे अगर न्यूमेरिकल आता है तो फी के नंबर देना और चार आपको, तो उसको मत छोड़ना किसी भी आने. जब करते हैं सर दो तरह के डेफिसिट होते हैं, सर एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है, कैपिटल डेफिसिट होता है. सर कैपिटल बेचारा मिट गया, एक होता है कैपिटल डेफिसिट. तो सर ये रेवेन्यू और कैपिटल क्या है इसको समझ लेते हैं. समझो यार बहुत आसान है, मुश्किल नहीं. आपने कहा सर कैपिटल डेफिसिट, सर अच्छा कौन सी ट्रांजेक्शन करने से आपके सर एसेट्स या लायबिलिटी फर्क पड़ता है, याद होगा कैपिटल ट्रांजेक्शन करने से या तो हमारी एसेट्स बढ़ जाती है या हमारी लायबिलिटीज कम हो जाती है. आई रिपीट माय वर्ड्स, एनी शॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज गोइंग टू एनहेंस योर एसेट्स और गोइंग टू रिड्यूस योर लायबिलिटीज आर नोन एज टू बी द कैपिटल ट्रांजेक्शन. अभी कैपिटल ट्रांजेक्शन कैपिटल रिसीप्ट भी होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है. एंड व्हेन एवर वी आर गोइंग टू हैव लेस रिसीप्ट्स एंड मोर एक्सपेंडिचर्स, इन दैट केस वी आर गोइंग टू हैव सर कैपिटल डेफिसिट. वहां पे ऐसी ट्रांजेक्शन जो कैपिटल ट्रांजेक्शन थ्रू हुई उसमें आगे हमें क्या आती है, डेफिसिट आता है. तो क्या कहलाएगा, कैपिटल डेफिसिट. क्या कहलाएगा, कैपिटल डेफिसिट. इज दैट क्लियर. सेम प्रोविजन यू नीड टू फॉलो ऑन रिवेन्यू डेफिसिट. सर रिवेन्यू ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, सर ओवर द ट्रांजेक्शन दैट डोंट हैव एनी शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ना तो एसेट्स बढ़ी ना लायबिलिटीज कम हुई, कोई फर्क नहीं आया उनके ऊपर. तो सर हमने बोला दीज आर नोन एज टू बी द रिवेन्यू ट्रांजेक्शन. अब रिवेन्यू ट्रांजेक्शन में जब हमारे रिवेन्यू इनकम कम है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिवेन्यू पेमेंट्स कह रहे हैं ज्यादा है, तो क्या कहलाएगा हमें, सो दैट इज नोन एज टू बी द रिवेन्यू डेफिसिट. तो आई होप हमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ, हमें चारों डेफिसिट क्लियर हो गए. सो डेफिसिट को दोबारा समझते हैं कमी. और याद रखना इनकी कैलकुलेशन हमेशा अकाउंटिंग ईयर से होगी. आपने सर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल to 31st of March. अब इन ट्रांजेक्शन को हमें ऑन टेप रखना है, हम कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, किन चीजों को रूल आउट करना है, ये आपने ध्यान रखना है, ये ऑन टेप होना चाहिए. तो उससे पहले कि हम आगे जाएं वो अगली वीडियो देख पाओ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक तो बनता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. तो बाकी मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ.